अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 1997 में जो लॉ था बैंकों के लिए, वो उसको रिप्लेस हुआ ऑर्डिनेंस 2001 में आया, उसका नाम था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके लिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, रिकवरी ऑफ फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कानून आया। इसको याद करने के लिए, रिकवरी ऑफ फाइनेंस के लिए क्या आया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लॉ आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 आया। इसमें बताइए मुझे कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, किराए पे बैंक मैंने दिया हुआ है बैंक को, बैंक किराए में भड्डा हो गया है, तो बताएं क्या मैं इस कानून के तहत मुकदमा करूँगा बैंक पे? तो जवाब होगा नहीं, 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 नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है, इसके लॉ में लिखा हुआ है कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, वो डिफाइन किया है, वो देन देन का हो। इसमें तो देन देन का नहीं है, मैंने कोई फंड जमा नहीं कराए, ना बैंक से बोरो किया है, ना लेंडिंग हुई है, ना बोरोइंग हुई है, तो ये नॉर्मल लॉ के तहत जाएगा। अच्छा, मैंने लेटर ऑफ गारंटी लिया हुआ है बैंक से, इसमें कोई इशू आता है? ये भी नॉर्मल लॉ, क्योंकि इसमें भी कोई फंड्स जो है लेंडिंग और क्या नाम है बोरोइंग नहीं हुई है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना।